हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने यूकेजी क्लास की इंग्लिश की ग्रामर वर्कशीट लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। यूज ऑफ दिस एंड दैट, यूज ऑफ दीज एंड दोज, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दिस और दैट जो होते हैं हमारे सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, और दीज और दोज हमारे प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। आता है इसमें यूज ऑफ दिस दैट। यहाँ पे बच्चों को दिस और दैट का अंतर बताने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक स्मॉल एरो बनाया है और एक बिग एरो बनाया है। यहाँ पे स्मॉल एरो का मतलब है नियर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बहुत पास में रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है। तो दिस और दैट को जो बच्चों को बताया जाता है वो इसी अंतर से ही समझा सकते हैं हम आसानी से, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पास में होता है तो हम उसमें दिस लगाते हैं, और जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर होता है हमसे तो हम उसमें दैट लगाते हैं। तो आप इसको एरो के थ्रू आप समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए कप, दैट इज अ कप। उसके बाद आप बच्चों को ऐसे ही कुछ और अलग से पिक्चर बना के दीजिए, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने ट्री बनाया हुआ है, यहाँ पे एप्पल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे बच्चा फिल करेगा। जैसे ये ट्री पास पे है, एरो छोटा बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस, दिस इज ए ट्री। यहाँ पे डैश है, डैश इज एन एप्पल। यहाँ पे एरो बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, दूर हो गया ये एप्पल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट। तो बच्चों को आप इस तरीके से दिस और दैट का अंतर समझा सकते हैं। तो अब इसके बाद आता है यूज ऑफ दीज एंड दोज। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लूरल बनाया हुआ है, मतलब एक से दो ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे टू कप्स बनाए हैं, यहाँ पे थ्री कप्स बनाए हैं, तो इसका मतलब हो गया एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यूज़ किए गए हैं। और कंसेप्ट वही रहेगा सेम, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट पास में है तो हम दीज लगाएंगे, दीज आर कप्स, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है तो हम उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, दोज लगाएंगे, दोज आर कप्स। तो मैंने इस यहाँ पे भी एरो का ही अंतर करके बताया हुआ है, यहाँ पे एरो छोटा है तो ये पास हो गया, यहाँ पे बड़ा एरो है तो ये दूर हो गया। तो आप बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने ट्री बनाए हुए हैं 1 2 3, यानी कि एक से ज़्यादा हो गए, तो 3 ट्रीज हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और पास में है, एरो छोटा है तो पास में हो गया, तो यहाँ पे हम लगाएंगे दीज आर ट्रीज। नेक्स्ट ऐसी डैश आर एप्पल्स, यहाँ पे एरो दूर है, 2 एप्पल्स बनाए हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दोज आर एप्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज ऑफ ही शी इट। मैंने यहाँ पे क्या किया है, कुछ पिक्चर्स बना दी हैं बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि हमें ही और शी और इट, इन तीनों में बच्चों को डिफरेंस समझाना है, तो उसके लिए हम पिक्चर की हेल्प लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ही के लिए क्या किया है, एक बॉय की पिक्चर लगाई है, तो बच्चों को इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जैसे ही जो होता है हमारा बॉय और मैन के लिए यूज़ हो गया, शी जो है हमारा गर्ल और वुमन के लिए यूज़ होता है, और इट जो होता है वो एनिमल्स के लिए, तो मैंने एनिमल की पिक्चर लगाई है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे बुक बनाई हुई है। तो हम इस तरीके से बच्चों को ही शी इट में डिफरेंस समझा सकते हैं, कि जहाँ पर हम नाउन का यूज़ नहीं करते, मतलब ही शी हम इट क्यों लगाते हैं। उसके बाद आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आप बनाकर एक दे सकते हैं बच्चों को, जैसे यहाँ पे डैश इज ए बॉय, तो यहाँ पे ही शी इट, तो क्या आएगा, बॉय के लिए अभी हमने बताया, बॉय के लिए हमने ही लिखा था, तो यहाँ पे बच्चे को ही लिखना है। उसके बाद डैश इज ए गर्ल, तो यहाँ पे हमने भी बताया कि डैश गर्ल के लिए क्या लगता है, शी लगता है, तो यहाँ से बच्चा चूज करेगा कि क्या आएगा, यहाँ पे शी आएगा। नेक्स्ट आता है डैश इज ए डॉग, तो यहाँ पे ही शी इट, तो यहाँ पे इट के लिए हमने क्या यूज किया था, डॉग यानी एनिमल, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इट। तो इस तरीके से आप ही शी इट तीनों में डिफरेंस बच्चों को समझा सकते हैं, अलग अलग आप सेंटेंसेस बनाकर इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर। ठीक है, तो इन मीन्स क्या होता है, अंदर,
ऑन ऊपर अंडर मींस नीचे। तो बच्चों को पहले इसको हिंदी में बताइए आप कि इनका मतलब क्या है, ऑन का मतलब क्या है, अंडर का मतलब क्या है। फिर उसके बाद बच्चों को पिक्चर्स बनाकर उनका अंतर समझाइए कि इन हम कहाँ पे लगाएंगे, ऑन हम कहाँ पे लगाएंगे और अंडर हम कहाँ पे लगाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे यहाँ पे द फ्रूट्स आर डैश द बास्केट। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाई है, एक बास्केट बनाई है, उसके अंदर फ्रूट्स बना दिए हैं। तो मैंने अभी बताया इन का मतलब क्या होता है, अंदर, ऑन का ऊपर और अंडर का नीचे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्योंकि फ्रूट्स कहाँ पर हैं, टोकरी में हैं, मैं यूज करते हैं इनके लिए। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद आता है द एप्पल इज डैश द टेबल। तो यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, उसके ऊपर मैंने एप्पल बनाया है। तो जैसे पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि एप्पल जो है हमारा टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ऑन मीन्स क्या होता है, ऊपर। द एप्पल इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट आता है द आंट इज डैश द प्लेट। ये प्लेट बनाई हुई है, इसमें स्वीट्स रखी हुई हैं। तो आंट कहाँ पर है, द आंट इज डैश द प्लेट, प्लेट के नीचे है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, द आंट इज अंडर द प्लेट। तो इस तरीके से आप तीनों में डिफरेंस बच्चों को मतलब पता चलेगा पिक्चर्स के थ्रू कि इन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऑन हम किस लिए यूज कर रहे हैं और अंडर हम कहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूज ऑफ ए एंड द। ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब ए एंड द का हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वॉवल्स और कंसोनेंट का मतलब भी बताया था। तो जो हमारे वॉवल्स होते हैं उनमें हम एन लगाते हैं, और जो हमारे कंसोनेंट्स होते हैं उनमें हम ए लगाएंगे, और द जो होता है वो हमारा वॉवल और कंसोनेंट दोनों में यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर्स बनाई हुई है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिस इज, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, फ्लावर। तो दिस इज डैश फ्लावर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा, यहाँ पे ए आएगा, दिस इज ए फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है। उसके बाद आता है दिस इज डैश एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल बनाया है, एप्पल हमारा ए से शुरू हो रहा है जो कि हमारा वॉवल है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन, दिस इज एन एप्पल। उसके बाद दिस इज डैश ट्री। तो यहाँ पे ट्री हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए लगाएंगे, क्योंकि ये सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंगल है, तो इसलिए हमने ए एन ए इनका यूज किया है। द जो होता है हमारा प्लूरल में यूज होता है और सिंगुलर में भी होता है, वो आगे बताती हूँ मैं आपको। जैसे अब यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया, फ्लावर्स एप्पल, फ्लावर और एप्पल और ट्री के बारे में बताया। अब यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, उन्हीं तीनों के बारे में दोबारा से बताएंगे। जैसे यहाँ पे डैश बना के डैश द फ्लावर इज रेड। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ एक एग्जांपल के लिए, जैसे तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हमने बता दिया दिस इज अ फ्लावर, यहाँ पे मैं उसी फ्लावर के बारे में बता रही हूँ, द फ्लावर इज रेड। तो जब हम किसी चीज के बारे में जब दोबारा से जिक्र करते हैं, अगर हमने उसको पहले, अगर हम पहली बार उसको बता रहे हैं तो सिंगल ऑब्जेक्ट है और पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ए लगाएंगे, और अगर हम उसी चीज के बारे में दोबारा से बोलते हैं तो हम उसके लिए हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो द फ्लावर इज रेड। सेम ऐसे यहाँ पर दिस इज एन एप्पल डैश एप्पल इज रेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द एप्पल इज रेड। उसके बाद दिस इज ए ट्री, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे ट्री के बारे में, अब यहाँ पर दोबारा से बता रही हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द ट्री इज ग्रीन। तो इस एग्जाम्पल का यूज करके बच्चों को पता चलता है ए एन और द का हम कैसे यूज करते हैं। आप बाद में उनको इस तरीके से लिस्ट बनाकर भी दे सकते हैं कि कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा और कहाँ पर द आएगा। जैसे इसको हम फिल करते हैं, यह क्या लिखा है, एप्पल, तो ए वॉवल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, बैट
कॉन्सोनेंट है तो क्या आ जाएगा ए, ऑरेंज वॉवल एंड बुक कॉन्सोनेंट ए। उसके बाद ऐसे यहाँ पर ये भी कॉन्सोनेंट है तो ए बॉल कॉन्सोनेंट ए, कॉन्सोनेंट ए, ई एग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन एग। उसके बाद बुक्स, यहाँ पे जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या लगाएंगे द लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बुक्स है तो हम क्या लगाएंगे द बुक्स, द ट्रीज, द फ्रूट्स, लास्ट है हमारा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू है, यू यानी वॉवल है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे एन लगाएंगे। तो आप इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप किसी में एस लगाकर, किसी में सिंगुलर बनाकर, किसी में प्लूरल बनाकर आप बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। ग्रामर में बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल का भी मतलब पता होना चाहिए कि हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम लिख दिए हैं, जैसे यहाँ पे कार, तो प्लूरल में हमारा एस आ जाता है तो कार्स, बुक बुक्स, ट्री ट्रीज, बैट बैट्स, डॉग डॉग्स। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर आप उनको सिंगुलर और प्लूरल सिखा सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिखे हैं, अपोजिट वर्ड्स का भी बच्चों को पता होना चाहिए स्टार्टिंग में। तो बिग का अपोजिट क्या होता है स्मॉल, फार नियर, हॉट कोल्ड, टॉल शॉर्ट, गुड बैड, तो अपोजिट वर्ड्स भी आप उसको इस तरीके से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स मीन्स कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो हमारे वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं एक्शन वर्ड्स के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे मैंने आई एन जी इसीलिए लगाया हुआ भी है, इसमें एक्शन वर्ड्स हैं क्योंकि ये। तो यहाँ पे हमारा आता है जैसे रीडिंग, राइटिंग, रनिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, सिटिंग, स्किपिंग, ड्राइविंग, क्राइंग, सिंगिंग, साइकिलिंग, कुकिंग, प्लेइंग, फाइटिंग, बीटिंग, लाफिंग और थिंकिंग। तो आप बच्चों को इस तरीके से उनको एक्शन वर्ड्स याद कराइए और आप साथ के साथ उनकी एक्शन मतलब आप उनको एक्टिंग करके भी बता सकते हैं कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। राइटिंग में आप जैसे लिखने का, दौड़ने का, रनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो आप उनको कुछ एक्शन करके भी सिखा सकते हैं और उससे बच्चा आसानी से एक्शन वर्ड्स लर्न भी कर लेता है। लास्ट आता है इसमें जेंडर। जेंडर्स भी बच्चों को थोड़े बहुत पता होने चाहिए, तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़े ही लिखे हैं इसमें अभी, जैसे ही शी, बॉय गर्ल, मैन वूमेन, मेल फीमेल। तो जेंडर्स भी आप बच्चों को इंट्रोडक्शन यूकेजी क्लास में करा सकते हैं। आई होप आपको मेरी वर्कशीट पसंद आई हो, इसमें जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो और आप बच्चों को इसकी मदद से काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।